हर कहानी कहीं से शुरू होती है, किसी जगह से शुरू होती है, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं सकी कि मेरी जिंदगी की कहानी कहाँ से शुरू हुई है, किस तरह से शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है। शायद उस दिन जब मेरा भाई जंग में गोला बारूद और टैंकों की आवाज़ों से डर गया था। या अल्लाह, कल ही 30-40 जवान कटे हुए लाए थे, किसी का सर नहीं, किसी का पैर नहीं। अगर आज रात भी हमला हो गया तो कयामत आ जाएगी। तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ मैं, अगर हमला हुआ तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मोहम्मद, तुम अच्छी तरह जानते हो फौज इन बातों से और हमारी दोस्तियों से नहीं चल रही है। छुट्टी खत्म होने से पहले वापस जाकर अपने अफसर से जरूर मिल लेना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। बहादुर मेरा शेर, आपका गुलाम हूँ बाबा जान। ताहिर के आ जाने से तुम्हारी इस ऑफिस में कोई हैसियत नहीं होगी। हाँ तो क्या हो गया, मेरा खुद का भी तो ऑफिस है। इतनी क्या जल्दी? अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, वो मुझे लगा मेरी दोस्त है। क्या हुआ है? मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है? पूछ लो। तुम कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये बताओ, करीम ने मेरे पास क्यों भेजा है? आप मुझे दूसरे मुल्क भेज सकते हैं। क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मेरी मदद करो ताकि मैं किसी और मुल्क चला जाऊँ। लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ जो तुम लोग मेरी बात को समझो। अभी तक वहाँ है? हाँ, अगर जल्दी आ जाओ तो मुलाकात हो सकती है। ये सारे सोने के जेवर हैं मेरे बचपन से अब तक के, मुझे मालूम है उसको जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप उसकी मदद करेंगे ना? क्या वो भाग जाए? बिल्कुल। अगर उसको हवा लगी हुई है तो निकाल दो उसको, उसके शहर ले जाओ। मैंने उससे वादा किया है कि उसका ख्याल रखूंगा। उसका बाप से? इसकी बहन से। सताइश मेरी इजाजत के बगैर तुमको हाँ नहीं कहेगी, तुम ये जानते हो? तुम सताइश को जाकर कहना मैं राजी हूं। कोई भी घर वाले ऐसे गधे दामाद को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। देख लिया, मोहम्मद नादरी साहब से क्या रिश्ता था आपका? मेरा दोस्त था। आप हमारे बेटे के कातिल को दोस्त कह रहे हैं? तुम्हारा जुर्म कोई छोटा मोटा नहीं है। मैं इस मुल्क का सबसे बेहतरीन वकील तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अगर वो लड़का नहीं होता तो मोहम्मद जिंदा होता। आज के बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। कान खोल कर सुन लो, खुद को उसकी जिंदगी से बाहर कर लो। जोहर के वक्त उसी दिन जब मोहम्मद के साथ यह हादसा हुआ, मैंने उससे आपका रिश्ता मांगा था। तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्या तुमने मुझे मार दिया है जो तुम ऐसा करोगे? कान खोल कर मेरी बात सुनो, अपने दिमाग से ताहिर का नाम मिटा दो। मैं किसी को भी हक नहीं दूंगा कि वो इस घर में उस लड़की या उसके खानदान वालों का नाम ले। इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकूं। देखें जनाब डॉक्टर साहब, मेरी जान ले लें आप, मेरी हर सांस ले लें, मुझसे मेरी सारी दुनिया ले लें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ ऐसा करें कि बीवी और बच्चा सलामत बाहर आ जाए। आज रात खुदा ने मुझे एक बच्चा अता किया है, इसलिए आया था कि आपसे उसका नाम पूछ लूं। अच्छा बताओ, लड़का है या लड़की? लड़की है। क्या कहा? बेटी है। हमारे इस घर में दो लड़कियां मौजूद हैं, हमें इस घर में अब लड़की की कोई जरूरत नहीं। ये एहसास आप ले जाकर उस पढ़े लिखे नादरी को दो। आप पूछेंगे नहीं बच्चा कैसा है? पूछने की बात नहीं है,
मैं जानता हूँ। इस दफा आप गलत हैं। एक प्यारा सा फूल जैसा बेटा है। उस लड़के ने सब रिश्ते तोड़ दिए थे, ये बात किसी को याद नहीं आई। अपने बाप की मुखालफत के बावजूद उसने उस लड़की से शादी की। वो जनाब उसी लड़की के बेटे के लिए एक भी नहीं 5 सिक्के भिजवा रहे हैं, और अब जनाब चुपके चुपके उस बच्चे से मिलना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बेटा पैदा किया है। ये सब तो कुछ नहीं है। आप सिर्फ उसका नाम बोले, उसे मगरिब होने से पहले मार के नदी में फेंक दूंगा। ताहिर फिरदौस, एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से बात करें। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं आपको एक इत्तला देना चाहती हूँ, एक ट्रक है जिसमें अफीम आ रही है। सर पैकेट मिल गया है। चाहे जैसे भी हालात हो जाए, यहाँ तक कि रात को खाने को कुछ भी ना हो, लेकिन उस घर का दरवाजा तुम कभी मत बजाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर उनका साया भी पड़े। आपको खुदा का वास्ता ऐसा ना कहें। अपने बच्चों को खुदा के बाद तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ सताईश। शायद उस दिन जब ताहिर ने मेरी दुआओं की कोई परवाह नहीं की और मर गया, मुझे छोड़ गया। जाओ ताहिर के बेटे को लेकर आओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। जाओ बेटा, तुम्हारे दादा जान तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ नाज़गुल, आओ चलो गोदी में, तुम्हारे दादा जान से मिलवाऊं तुम्हें। इसको नहीं कहा, बोला है सिर्फ बेटे को देखना है। मेरे बेटे को मुझे दें आप। ताहिर के 2 बच्चे हैं और वो इन दोनों से एक बराबर प्यार करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं जाना। ये दोनों ही मेरे लिए ताहिर की मिरास हैं और अपने बच्चों का एक बाल तक मैं किसी को नहीं दूंगी। अब सब कुछ खत्म हो गया है। अम्मी मैं कहां खड़ी हूँ जानती है? अम्मी अपने कमरे की खिड़की में, इस खिड़की से मैं वही चीजें देख रही हूँ जो मेरे और मेरे बच्चों की मिल्कियत है। सिर्फ यही नहीं, हशमत फिरदौस की तमाम माल दौलत और जायदाद सिर्फ मेरी मिल्कियत। आज से हशमत फिरदौस की सारी माल दौलत और जायदाद आखिरी सांस तक मेरी मिल्कियत है। आपसे कहा था ना मैं कैसा कर दूंगी, छीन लूंगी इनसे सब। आसमान जमीन पर गिर जाए, ये जमीन ही क्यों ना पलट जाए, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए। यहाँ के मैं, यहाँ के खुद, मैं खुद ताहिर के बेटे को मुझे दे दो। जो कहोगी वो करूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। उस बच्चे के लिए मैं हर वो काम करूंगा जो मेरे बस में होगा, हर वो काम। अरे भाई कोई तो दरवाजा खोलने की कोशिश करो। अरे भाई जब तक फायर ब्रिगेड आएगी ऊपर सारे चल के मर जाएंगे। हटो, हट जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ, जल्दी करो कासिम भाई। मुझे तो लगता है घर में कोई भी नहीं है, जल्दी करो, खोलो दरवाजा, खोलो। चलो तोड़ दो। मेरे बच्चे क्या हुए? कोई मदद करो मेरे बच्चे। पड़ोसी और रागीर आकर इनकी मदद करते हैं। अगर वो नहीं आते तो इस वक्त मैं अपने दोनों बच्चों की लाशें लेकर यहाँ से जा रहा होता। तुम्हारी हैसियत नहीं है,
तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। बच्चों को मुझे दे दो। अपने बच्चों को लेकर आप इस घर से, बल्कि इस शहर से बहुत दूर चली जाएं। अगर हशमत फिरदौस ने आपके बच्चे छीन लिए तो उनसे कभी भी नहीं मिलने देगा। शायद उस दिन से जब हम अपने घर को छोड़कर भागे तो हम बर्बाद हो गए। क्या कह रहे हो जलील? क्या कह रहे हो जनाब? वो मैं आपको बताने वाला था कि वो लोग अपना सामान लेकर चले गए, कल ही चले गए वो लोग। आग लगा दूंगा तुम्हें, आग लगा दूंगा तुमको। बताओ कहाँ गए, कहाँ चले गए? मुझे माफ करते फिर थोड़ा सा, मुझे माफ करते। आखिर वो शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? इन हालात में भी अपनी बहू और पोता पोतियों को परेशान किया हुआ है। यहाँ पर उसके हाथ तुम लोगों तक नहीं पहुँच सकते। मैं और अजीज मशहद जा रहे हैं ताकि ज़ियारत करें और बोझ हल्का करें। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आप गोदाम को संभाल लेंगे और इंशाल्लाह सताइश बेटी किचन के हालात, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे और फिर आपका नाम हमारे नाम की जगह पर लिस्ट में आ जाएगा। ये होने वाला नहीं है। क्या मतलब होने वाला नहीं है? हमारा नाम सिर्फ वहाँ नहीं रहेगा, बाद में हेड ऑफिस चला जाएगा, फिर पुलिस स्टेशन चला जाएगा, हजार जगहों पर चला जाएगा। आखिर मुल्क का एक निजाम है। डरो मत हाजी, तुम्हारा नाम जो मैं चाहूंगा वो हो जाएगा। उस जले हुए घर से अजीज सिर्फ यही बचा कर ला सकी थी, कुछ तस्वीरें और चार शनाख्ती कार्ड। मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड, इसकी अपनी बेटी का, मेरे पोता पोती। मेरे अगर पोता पोती बच गए होते तो बिल्कुल तुम्हारे बच्चों की तरह, अभी तकरीबन बिल्कुल मोहम्मद और नाजगुल के बराबर ही होते। सना? अच्छा तो आपकी बेटी का नाम सना था। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन हर मुश्किल का हल भी होता है। फिरदौस साहब, अगर आप सना साहब और उनके बच्चों को ढूंढ रहे हैं तो उनकी चाबी मेरे हाथ। तुम्हें किसने बताया मुझे उसकी तलाश है? अगर सना साहब आपकी बहू हो तो, और वो दो बच्चे जो उसके साथ हैं वो बच्चे पोता पोती हो आपके। तुम्हारी नजर हाईवे पे होनी चाहिए ताकि हम गलत रास्ते न चले जाएं। जी जनाब। ताहिर के वालिद हशमत फिरदौस साहब यहाँ आ रहे हैं। यहाँ? इस जगह को कैसे तलाश कर लिया? ये शायद उस दिन जब हम अपना घर छोड़ ही रहे थे और नाम भी सब कुछ और फिर भागने पर मजबूर हो गए। गलत सोच रहे हैं वो, जहन्नम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा उनका। जी मैं हूँ खान। महमूद। महमूद, ये मेरी बेटी है सताइश। सताइश, ये तुम्हारे नाना जान है। पकड़े गए ना वो? जी जाहिर है, तमाम निशानियां तो ठीक हैं, मगर ऐसा लगता है कि शनाख्ती कार्ड किसी और नाम से है। वकील साहब किस दुनिया में हैं? आपको जाकर पहले शनाख्त करनी होगी। तो फिर ये आप पहले बता दें वकील साहब। जाएंगे हम, इसी वक्त जाएंगे हम। बाबा जान बेहतर नहीं कल सुबह? नहीं, कुछ बेहतर नहीं है। वहां पहुंचकर अपने ताहिर के बेटे को उठाऊं और फिर उसका सर अपने कंधे पे रख दूं और फिर ताहिर की खुशबू सूंघूं। वकील साहब, सारी किताबें खोलकर हिसाब लगाओ। अपनी जिंदगी की आधी कमाई उसके नाम करना चाहता हूं, उसके बाप का हिस्सा भी इसको दे दूंगा। चाहता हूं मेरे घर का चांद रोशन हो जाए, मेरे घर की रौनक बन जाए। अरे अरे बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, क्या हुआ? आपकी तबीयत बाबा जान, आप ठीक तो हैं? सेक्रेटरी,
तुम अपनी गाड़ी में जाओगे और गाड़ी मत रोकना जब तक तुम उस पते पर न पहुंच जाओ। चाय पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, चाहे जितना भी थक जाओ, तुम्हें रुकना नहीं है। वहां जाकर बच्चे अपने साथ लेकर यहां आना है। नहीं, ये लोग मेरे भाई के बीवी बच्चे नहीं हैं। मैं चाहता था कि तुम्हारे माँ बाप की शादी की दिन जो उनको दूं। अब ये तुम्हारा है, ये एक दुकान के कागजात हैं। चाहो तो फरोख्त कर दो, चाहो तो किराए पे दे, चाहो तो खुद काम करो। तुम जहां भी रही, जब तक जिंदा हूं तुम्हारे पास आता रहूंगा। अंदर चलो बेटा, अब चलो अपने भाई का हाथ पकड़ लो। बिजली के तार खराब हो गए हैं, पानी की लाइन भी खराब हो गई है। 3 साल पहले मुझे पैगाम भेजा कि आधी छत से बारिश का पानी टपकता है। मैंने उनसे कहा कि जब जगह का मालिक ही ना हो, अगर भर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब मालिक आ गया है। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे लायक हो। मैं इसको बना दूंगी, मैं इस जगह को बना दूंगी नाना अब्बू। जानता हूं मेरी बेटी, खुश रहो। फिर बनाया, सालों साल गुजर गए, बहुत मुश्किल थे, लेकिन फिर भी बना लिया। अपनी जिंदगी को भी, अपने बच्चों की भी दोबारा बना लिया। रेडी हो? 3, 2, 1। अब दूसरे स्टाइल से। रेडी? 3, 2, 1। आप यहां आ जाएं, अब आप आ जाएं। ये लो नाजगुल, अपना चेहरा थोड़ा ठीक से बनाओ, ये तुम्हारी ग्रेजुएशन की फोटो है। जब ये कैमरे के सामने जाएंगी तो मुंह खुद ही ठीक हो जाएगा। क्या कहा आपने? जब रेडी हो जाए तो बता दीजिएगा। ये लो, इसे पहन लो तुम। तुमने अपनी अम्मी से बात की थी? अभी नहीं। अभी तक क्यों नहीं की भाई? अरे भाई नाजगुल, तुमने अपनी अम्मी से इतनी सी तो बात करनी है कि एक लड़का तुम्हें देखने के लिए आना चाहता है, और बात खत्म। इतना सोचना क्या है इसमें? दिलराम, तुम मेरी अम्मी को नहीं जानती हो। सब माएं एक जैसी होती हैं। जब कुछ होने लगता है तो कहती हैं हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। अरे भाई ये कैसी बातें हैं? सारी बातें ऐसे कर रही होती हैं जैसे 300 साल पुरानी हो। कोई तो इन्हें समझाने वाला हो कि अब तुम्हारी पुरानी कार हमारे नए रोडों पर नहीं चल सकती है ना। असल में मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अम्मी से बात कर लूंगी। तैयार हो गई आप? जी जी तैयार है। चलो आ जाओ, माफ करना भाई, आ जाओ आ जाओ। अच्छा तुम ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद क्या करोगी? पढ़ा लिखा है, फैमिली वाला है, अच्छा इंसान है, जो भी तुम बताओगी वो मान लेंगी। कभी भी तुम्हें ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात माने तो उसे ना जाने दें, आजकल अच्छे लड़के आसानी से नहीं मिलते। भाई क्या हम आपसे बात करें जो आप बीच में बोल रहे हैं? आप अपना काम कीजिए। माफ कर दें, गलती हो गई।
आजकल तो किसी को नसीहत करना भी बुरा है। आप रेडी हैं? हाँ हाँ तैयार है, तैयार है। नाजगुल जरा सा मुस्कुराओ, शाबाश, जरा सा और मुस्कुराओ। हाँ ये ठीक है। स्टाइल चेंज करें। कैसी लग रही हूँ अम्मी? बहुत प्यारी। तुम देख रहे हो ना, ये भी तुम्हारे बराबर आ गई ताहिर। तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया है। बस वो दूसरा वाला जरा चलाक है लेकिन बहुत अच्छा है। आपसे एक बात करनी है मामा। हाँ बोलो बेटा। क्या मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ? मैं जानती हूँ कि आप काम कर करके थक चुकी हैं। अगर आप कहें तो मैं अपने लिए नौकरी ढूंढ लूँ। तुम जहाँ तक पढ़ना चाहती हो पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी चाहो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, किसी बात से परेशान नहीं होना। मामा। हाँ बोलो। एक साहब अपने घर वालों के साथ यहाँ आना चाहते हैं मेरे रिश्ते के लिए। एक साहब अच्छे इंसान हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, घर बार भी है और यानी एक लड़का बीच सड़क पर तुम्हारे सामने आया और कहने लगा मैं एक अच्छा इंसान हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ और मेरे पास घर बार भी है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं इस तरह से नहीं है, मैं उन्हें जानती हूँ। कैसे जानती हो? मेरे टीचर हैं। सही, टीचर है तुम्हारा। तुम अपने इस टीचर से कह दो जो शख्स क्लास में आकर बच्चों को पढ़ाता है उसका दिमाग सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की तरफ होना चाहिए। अगर वो हकीकत में टीचर है तो उसको मालूम ही नहीं होना चाहिए कि क्लास में कौन कौन और किस तरह बैठा हुआ है। उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ पढ़ाने पर होनी चाहिए। या फिर क्या मालूम चाहता हो कि बिल्कुल नहीं, उन्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई और बात करनी है क्या? नहीं। मुझे लगता है, बताओ क्या है। हर किस्म की अपनी पसंद की मछली फ्री डिलीवरी के साथ घर पे बैठे हासिल करें, ये कैसा मजाक है? तुम्हें पता है कि मछली मैं जमाली साहब के होटल से मंगवाती हूँ। अम्मी जान आप इसका टेलीफोन नंबर तो पढ़ लें। 900। ये नंबर तो मोहम्मद का है। मैं जब उसकी पैंट वॉशिंग मशीन में डाल रही थी तो उससे ये कार्ड निकला है। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। उसे जरा फोन लगाओ। घर बैठे हासिल करें। बिजी है, एक बार और मिलाओ। जी जी बोले, आवाज आ रही है आपकी? आलाओ मयार सी फूड कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, बोले। जी कोई बात नहीं, आप बस कुछ मिनट लाइन पर रहे, मैं आपका ऑर्डर अभी लिखता हूँ। जी जी आ गया हूँ मैं, आप अपना ऑर्डर बताइएगा प्लीज। जी मैं आपकी लाइन ऑर्डर के लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी बोलें।
जी बोले आपको क्या ऑर्डर करना है? वाह मोहम्मद भाई, ऑर्डर लिखो, ऑर्डर लिखो। ऑर्डर? अच्छा ऑर्डर। सी फूड कंपनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ ऑर्डर करना है। जी सबसे पहले अपना एड्रेस लिखवाएं। हाईवे के पीछे चौरंगी की तरफ, स्ट्रीट नंबर 2, बंगला नंबर 45। बहुत शुक्रिया, क्या ऑर्डर करना है? मुझे फिश फ्राई चाहिए। छोटी, दरमियानी या बड़ी? दरमियानी होनी चाहिए। वो तो दरमियाना कह रही है। जी अच्छा, हमारे पास सफ़ेद मछली भी मौजूद है, वो भी ताज़ी ताज़ी। अगर आप कहें तो वो भी लिख दूँ? ठीक है, एक सफ़ेद मछली भी लिख दूँ। छोटी, दरमियानी या बड़ी? वो भी दरमियानी ही हो। भाई वो तो दरमियाना कह रही है। जी और कुछ? और कुछ नहीं, शुक्रिया। जी अच्छा ठीक है। मोहतरमा हमारे पास ब्रोस्ट मछली भी मौजूद है, अगर आप कहती हैं तो मैं वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, एक ब्रोस्ट मछली भी उसमें लिख लें, लेकिन वो छोटी होनी चाहिए। वो छोटी कह रही है, वो हमारे पास है। मोहतरमा हमारे पास मखसूस कस्टमर्स के लिए खारे पानी की मछली भी मौजूद है, अगर आप कहती हैं तो मैं वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हो सके तो 100 ग्राम का पीस रखिएगा। माफ कीजिएगा मुझे, सिर्फ 200 ग्राम का ही पीस है, अगर आप कहें तो रख दूँ। भाई 100 ग्राम की मौजूद है। फिर वो ही रख दें। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, 200 ग्राम। क्या आप बता सकते हैं ऑर्डर कब तक पहुँच जाएगा? मैडम 1 घंटे के अंदर आपका ऑर्डर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह नेगेबान। मेरी चाय कहाँ रख दी मिर्जा भाई? शाहरुख जी बोले उस्ताद, जल्दी से ये ऑर्डर तैयार करो, मोहम्मद भाई ने दिया है। ठीक है अभी करता हूँ। जरा मुझे बताओ रसीद कितने की बनाऊँ? जो कीमत है वही लिख दो। मतलब इजाफा नहीं करूं, तुम कहो तो अपना कमीशन भी लगा दूं? नहीं, ये काम कारोबार में हराम है। ओहो शरीफ, 1 मिनट रुकना जरा। वैसे ये कब से हराम हो गया? कस्टमर कहता है छोटी मछली चाहिए, तुम कहते हो छोटी नहीं बड़ी है। कस्टमर कहता है 100 ग्राम की चाहिए, तुम कहते हो 100 ग्राम की नहीं 200 ग्राम की है। अब तुम मुझे हराम और हलाल का फर्क समझा रहे हो? हाँ नहीं समझे, तुम समझे ही नहीं। मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया है, बड़ी मछली इसलिए दे रहा हूँ, आज नहीं खाएंगे तो कल खा लेंगे। ज्यादा पैसे जबरदस्ती तो नहीं ले रहा ना? लाओ वो बिल मुझे दे दो, मैं बना लूंगा। तुम नहीं समझोगे, मुझे दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लिख दूंगा। क्या है नाजगुल? कहाँ हूँ? कोई जरूरी काम है क्या? अम्मी पूछ रही है कि तुम कहाँ हो। यूनिवर्सिटी के करीब हूँ। अच्छा ये लो अम्मी से बात करो। हेलो 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 हेलो, आपके मतलूबा नंबर से रابطہ मुमकिन नहीं हो रहा। लाइन कट गई, कह रहा था आवाज नहीं आ रही और अब फोन नहीं लग रहा। रहने दो, शाम को घर पर ही आएगा। तुमने इस्त्री कर दी? हाँ सारी चीज़ों पर इस्त्री कर दी है। बहुत शुक्रिया। टैक्सी आ गई, कह दो मैं आ रही हूँ। नहीं मैं देखती हूँ, दिल आराम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे इतना जल्दी आने के लिए क्यों कहा? सारी बातें उन्हें बताती हैं। फिर जो सोच रही थी वही हुआ, कह रही थी कोई ज़रूरत नहीं उन्हें बुलाने की। अरे भाई ठीक से नहीं बताया होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आंटी कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटी, तुम ठीक हो? अम्मी कैसी हैं? सब ठीक हैं, सब ने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे दे दें, मैं जरूरी नहीं है, बहुत भारी है। दरवाजे तक तो ले जा सकती हूँ। ये लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कह भी दो अब। मामा। हाँ बोलो। दिल आराम भी उस लड़के को जानती है। मुझे लगता था कि दिल आराम एक अकलमंद लड़की है। मैं? बहुत शुक्रिया। ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अब पता चला कि नहीं हो। लाओ मुझे दो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो लड़का गली और टैक्सी, बसों और यूनिवर्सिटी में मिल जाए वो शौहर नहीं बन सकता। तो फिर शौहर कहाँ मिलते हैं? ये तुम्हारी अम्मी खामखा किसी को भी जलील कर देती हैं। अब क्या करोगी तुम? तुम उससे बात करोगी? मैं क्यों भाई, हर मुसीबत वाला काम मेरे जिम्मे क्यों डालती हो? मैं तुम्हें क्या लगती हूँ, कोई कमेटी? कमेटी नहीं हो, लेकिन दोस्त तो हो ना। ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर तो नहीं। वो क्या कहते हैं लोग उसे, हाँ सफ़ीर, मैं तुम्हारी सफ़ीर तो नहीं हूँ। अच्छा तो अब मैं क्या करूँगी? या तो जाओ अम्मी को मक्खन लगाओ। नहीं, और जरा सा, अम्मी जब भी कोई बात करती हैं तो यकीनन सोच समझकर ही करती हैं, और जब वो सोचकर करती हैं तो ठीक करती हैं। जब वो ठीक बात करती हैं तो वो हमें... अच्छा ठीक है, कहानी सुना रही हो क्या? मैं समझ गई हूँ, ये गली आगे से बंद है और कोई रास्ता भी नहीं। मुझे तो पहले ही मालूम था हमारी किस्मत में कोई ढंग का लड़का है ही नहीं, हमारी किस्मत ही ऐसी है। एक टेलीफोन कर लो, उससे मिलने का कह दो, फिर उसे कह देना कि अम्मी ने मना कर दिया है। अच्छा वो तो मैं टेलीफोन पर भी कह सकती हूँ। सुनो मेरी पागल दोस्त, जब वो तुम्हारे सामने आकर तुमसे कह सकता है कि वो तुम्हारा रिश्ता लेने आ रहा है, अपनी अम्मी से इजाज़त ले लो। कोई गैर शख्स तो नहीं, बेसहारा लावारिस भी नहीं है, 2 साल तक तो हमें पढ़ाया भी है। तुम्हें भी मिलना चाहिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर बताओ कि मेरी वालदा ने मना कर दिया है, आप लोग ना आइएगा। उनकी नज़र में कोई लड़का मौजूद है, हो सकता है वो वहीं शादी कर दें। ये कैसी बू आ रही है? कैसी बू? अजीब सी है, मुझ में से आ रही है, तुम में से आ रही है? पागल हो गई हो दिलाराम। सच कह रही हूँ, मेरी अम्मी एक ज़बरदस्त मिसाल देती हैं, कहती हैं जब लड़की बड़ी हो जाती है तो अपने हाल पर होती है, जबकि मिसाल पुराने लोगों की है। बकवास नहीं करो दिलाराम, बताओ मैं अब क्या करूँ? टेलीफोन, उसे टेलीफोन करो, उसे बताओ और उसे कहो कि मेरी अम्मी मना कर रही हैं, अपनी जान भी आज़ाद करो। तुम भी मेरे साथ चलोगी? जाओ भाई अपना काम खुद जाकर करो, मेरे पीछे ही पड़ जाती हो, मुझे 1000 काम होते हैं। नहीं अजूबा, वहाँ जाकर साइलेंट नहीं हो जाना, तुमने खुद बात करनी होगी, मैं बात नहीं करूँगी। मुझे तो अभी से तुम्हारी शक्ल देखकर डर लग रहा है। खुद बात करोगी और खुद ही बात समझाओगी, समझ गई ना? हाँ समझ गई हूँ। सुनो, मुझे डर है कि तुम वहाँ पहुँच के खामोश हो जाओगी और मेरे आश्रय पर रहोगी, मैं वहाँ कोई बात नहीं करूँगी। ठीक है दिलाराम, मैं खुद बात करूँगी, समझ गई हूँ। अच्छी बात है कि तुम समझ गई हो। शुक्रिया। और कुछ चाहिए सर आपको? जी नहीं शुक्रिया। तुम फोन पे मुझसे कह रही थी कोई काम है? जी हाँ। मुझे नहीं लगता कि क्लास इम्तिहान और तुम मास्टर्स के हवाले से कोई बात करने आई हो, ठीक कहा ना? जी हाँ। मेरे ख्याल से जो बात तुम्हारी वालदा ने तुमसे कही है उसी बारे में बात करने आई हो। जी हाँ। नाज़गुल मेरी दोस्त, उर्दू में हाँ के अलावा भी और जुमले हैं। तो जवाब में उन्होंने क्या कहा? मेरी अम्मी का कहना है कि नहीं आए तो बेहतर है। तुम्हारी वालदा ने बताया नहीं कि हम लोग क्यों नहीं आ सकते? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी वालदा मुझे बगैर देखे बगैर कुछ जाने ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उनके इनकार करने की कोई वजह भी मौजूद है या नहीं, या फिर उन्होंने यूं ही मना कर दिया?
मेरी अम्मी ने कहा है कि अगर एक टीचर क्लास में अपने पढ़ाने पर ध्यान दे तो वो कभी भी किसी को समझता हूँ। अच्छा, अब अगर इस बात का तुम्हारे पास कोई हल है तो मैं वो भी जानना चाहूंगा, बताओ प्लीज। मुझे अगर मेरी अम्मी कह दें कि अभी रात है तो यकीनन रात हो रही होगी। अगर मुझे तुम्हारी वालदा यकीनन खुशकिस्मत खातून है जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली। आपका ऑर्डर लेकर आया हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। ताज़ा है ना ये सब? आप देख सकती हैं, बिल्कुल ताज़ा है। कितने हुए? ये रहा बिल। आप लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं? कुर्बान चाचा, 2 दिन हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 20 दिन हो गए हैं। जी मैडम। यहाँ आए, ये मछलियाँ ले जाएं। ठीक है मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आती हूँ अभी। ठीक है। लैला, लैला मेरा पर्स ला के देना, तुम ऊपर आ जाओ पैसे लेने। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो डिश एंटीना लगाता हो? हाँ क्यों नहीं, मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। लैला, तुमने जैतून नहीं मंगवाए? आप जैतून नहीं लेकर आए? ऑर्डर नहीं किया था। सुबह जमीला ने खरीद कर फ्रिज में रख दिए हैं, ये लीजिए। गिनकर देख लें, पूरे हैं? जी पूरे हैं ना? पूरे हैं बिल्कुल। आप जा सकते हैं। मोहतरमा बात सुनिएगा। हाँ बोलो। एक डिश एंटीना वाला है, आप कहें तो ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर उसे लेकर आ जाओ। डिश और बाकी सामान हमारे पास है। जी अच्छा, मैं लेकर आ जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम हबीब भाई, मैं मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद भाई, कैसे याद किया? हबीब भाई अभी कहाँ हैं? कस्टमर के घर। मुझे एड्रेस बताओ, मैं अभी आता हूँ। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। खैरियत तो है ना, क्या काम है? एड्रेस बता दो, मुझे काम है तुमसे। मेरा काम खत्म हो गया है,
घर जा रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाओ। ठीक है। जल्दी से नीचे आ जाओ। अब क्या तुम्हारा इस्तकबाल करने आऊं? ऊपर आ जाओ। क्या करना है एक दफा फिर से बताओ मुझे। किसी के घर चलना है और डिश एंटीना लगाना है, यही काम है ना तुम्हारा? अच्छा, तो तुम इसीलिए आज मेरे पास आए हो? हाँ, तो और क्या, सोचा कुछ पैसे ही कमा लोगे, कुछ बुरा कर दिया क्या? जाओ अपना काम करो, मुझे नहीं करना ये काम, जाओ। अच्छा ये बताओ, क्या ये तुम्हारा काम नहीं है? तुम मेरे सामने शरीफ बन रहे हो या फिर ज्यादा पैसा लेना चाहते हो? देखो मोहम्मद भाई, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी तुम अपनी बाइक पर बेमकसद मुझे घुमाते रहे हो। अच्छा, मैं सॉरी बोलता हूँ अपनी अम्मी की वजह से। बस सॉरी बोल दिया और बात खत्म हो गई। एक दिन जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वालदा के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था, तो पहला चम्मच मुंह में रखा तो गोया ऐसा लगा कि मुंह में आग लग गई हो, वो भी ऐसी आग कि फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ जाए। इतना मिर्चों वाला खाना। मैंने वेटर से कहा खाने में इतनी मिर्चें क्यों डाली हैं? इतने में आपकी वालदा मोहतरमा कबगीर पकड़े हुए हमारी ही टेबल की तरफ आ रही थी और आकर मुझसे कहने लगी कि आखिरी बार तुम्हें समझा रही हूँ, खबरदार जो तुम मोहम्मद को कहीं इधर उधर लेकर गए तो तुम्हारे डिश के साथ साथ तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी और ये मिर्चों का डब्बा तुम्हारे सर पर उलट दूंगी, समझे? हंसी आ रही है? देखो मोहम्मद, मेरी वालदा ने दोबारा ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ तुम हंसो, खूब हंसो। ये तो मैं था जिसे तुम्हारी वालदा ने चार आदमियों के सामने बेइज्जत किया। बात यह है कि भाई मुझे ऐसे पैसे नहीं कमाने, क्योंकि मैं तुम्हारी वालदा का मुकाबला नहीं कर सकता। किसने कहा कि मेरी अम्मी को पता चल जाएगा? पता चल जाएगा, तुम्हारी वालदा है, पता चल ही जाएगा। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे नहीं हो कि जल्दबाजी में काम करो और ऐसे भी नहीं हो कि अपनी वालदा को ना बताओ? बताओ बात क्या है? बात को घुमा रहे हो तुम, मैंने सिर्फ दोस्ती की वजह से तुम्हें बताया। मैंने भी इसका जवाब दोस्ती ही की वजह से मांगा है, और तुम्ही ने तो कहा था कि इस काम के लिए मेरी वालदा मुझे मना कर रही हैं और मैं नहीं आऊंगा। हाँ मैंने कहा था। अच्छा अब ये गलत नहीं है, ये अब फैसला बदल लिया है? मैं दोबारा उनके घर जाना चाहता हूँ। किसके घर पर? हबीब भैया। क्या हुआ मेरी जान? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम मम्मा चाचू, मैं ठीक हूँ। हबीब भैया, फरीदा ने चाय बना ली है, आकर ले जाएं। अच्छा बेटा अभी आता हूँ। मसला क्या है? बहुत दिनों से ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा तो ख्वाब में देखता हूँ कि एक गली में भाग रहा हूँ, ऐसे लोग दिखते हैं जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ, जो भी दरवाजा बजाता हूँ कोई खुलता ही नहीं, फिर अचानक से खिड़की खुलती है। तुम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे? एक लड़की उस खिड़की को खोल रही है, लेकिन उसकी शक्ल और सूरत में ठीक से नहीं देख पा रहा। अच्छा फिर? फिर क्या, हमेशा की तरह आंख खुल जाती है मेरी। अच्छा अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हो? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आज कुछ सामान किसी के घर लेकर गया था, वही लड़की जो मेरे ख्वाब में आती है वो वहाँ पर थी। ये तुम्हारा नया फ्रॉड है, लेकिन मैं इस फ्रॉड में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। फजूल की बकवास मत करो। भाई तुम्हें क्या लगता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ क्या मेरा दिमाग खराब है? भाई उन्हें एक एंटीना लगाने वाले की जरूरत है, मैंने सोचा ये काम तुमसे करवा लूं बस। लेकिन अपनी वालदा को मत बताना। नहीं बताऊंगा, खबर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
सामान में क्या चाहिए उन्हें? क्या बात है, ज्यादा फ्री मत हो। क्यों नहीं, कह रही थी डिश है, रिसीवर चाहिए। डिश एंटीना में ही तो फायदा है। इसको ऐसा पैक करूंगा कि ऐसा लगेगा ये नया है। अच्छा, उनका बंगला किस तरफ है? मैं सोच रहा था मोहम्मद, अगर तुम्हारी अम्मी हमें साथ काम करने देती तो अब तक हम बहुत सारा काम कर चुके हो। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, तुमने उस लड़की को ख्वाब में देखा है इसलिए तुम मेरे पास आए। अच्छा ये बताओ, तुम दौलतमंद बनना चाहते हो क्या? हाँ क्यों नहीं। अच्छा तो क्या लोगों के घर मछलियाँ पहुँचा कर पैसे कमाओगे? हाँ तो फिर क्या तुम्हारे काम में पैसा है? हाँ बहुत पैसा है, लेकिन मैं अकेला हूँ। अगर हम दोनों एक दिन में 4 डिश भी लगाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। सिर्फ यही नहीं है, सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, सिम टेढ़ी हो गई है, सबके पैसे होते हैं। एक डिश लगाओ और 2 साल तक जाओ और पैसे कमाते रहो, कोई बुराई है इसमें? मैं तो कहता हूँ मेरे साथ आ जाओ, बहुत पैसा कमाएंगे। यही है। कौन है? एंटीना लगाने आए हैं। देखने में मालदार लगते हैं। यही दुनिया है, कुछ लोग मालदार होते हैं, कुछ हमारी तरह। रात को जब मैं अपनी वालदा के हाथ देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 200 साल की बुढ़िया के हाथ हों। अरे भाई अंदर कोई है तो दरवाजा जल्दी खोलो। खोल रहे हैं, सबर नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं वही हूँ जो सुबह मछलियाँ लेकर आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंटीने वाले को ले आया हूँ। इस तरफ से आ जाए। छत का रास्ता इस तरफ से है। मुझे टीवी दिखा दें ताकि अंदाजा कर लूं कि कितना तार चाहिए होगा। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। अपने जूते उतार देना। अच्छा ठीक है, चप्पल मौजूद है। चले आए, अंदर चलते हैं। चले आ जाएं। कैसे हैं आप बाबा जान? अभी मौसम गर्म है, थोड़ी देर रुक जाएं, बाद में काम कर लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। कौन हो, किससे मिलना है?